तो देखिए कितना सही व्यू आ रहा है। तो गाइस देख सकते हो मतलब क्या ही व्यू आ रहा है गाइस। अरे मम्मी कैसा लग रहा है आपको? मुझे बेटा बहुत अच्छा लग रहा है, दंडी माता के मंदिर आए तो अच्छा लग रहा है। तो मम्मी को भी बहुत अच्छा लग रहा है, वैसे मम्मी तो बैठी हुई है पहले भी, बट मेरा फर्स्ट टाइम है तो बहुत ही सही एक्सपीरियंस है। सही एक्सपीरियंस है। अब शुरू करें। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं सो के उठा हूँ, मेरा आज का पहला व्लॉग है। मेरा नाम आशु नेगी है और मैं हरिद्वार उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। आई नो आप इंटरेस्टेड नहीं हो। गजब बेइज्जती है। ये मेरा पहला ही ब्लॉग है। आप थोड़ा बहुत भी ट्रैवलिंग न्यू प्लेसेस देखने में इंटरेस्ट हो तो ये वीडियो ज़रूर देखिए, ये वीडियो आपके लिए है। तो आज हम हरिद्वार के कुछ प्लेसेस देखेंगे और मैं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, फिर बाकी बातें बाद में करते हैं। तो गाइज हम रेडी हो चुके हैं हरिद्वार जाने के लिए। और मैंने कुछ दोस्तों को कहा था कि चलो, बट वो बिजी थे। तो वो बिजी थे, पास घड़ी नहीं थी, फिर भी सबके पास समय था। आज मेरे सभी दोस्तों के पास घड़ी है लेकिन समय नहीं है। तो मम्मी फ्री थी आज, मम्मी के साथ चलते हैं। तो मम्मी आप रेडी हो? चलो फिर गाइज चलते हैं। मम्मी और मैं निकल चुके हैं घर से घूमने के लिए। एक्चुअली हम हरिद्वार की दो फेमस प्लेस जाने वाले हैं जहाँ सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं बाहर से, और उन दोनों प्लेस का नाम है चंडी देवी और हर की पौड़ी। तबाही सीन होने वाला है गाइस। और जिस रास्ते से हम जा रहे हैं ये शॉर्टकट रास्ता है, एक्चुअली जो रियल रास्ता है वो दूसरा है। बट सीन क्या है, वहाँ भीड़ ज़्यादा रहती है, यहाँ कम। और ये रास्ता मेरी सिस्टर ने सजेस्ट किया था मुझे, बिकॉज़ पहले मैं रोड से जाता था मेन वाली, तो वहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता था और वहाँ के मुकाबले यहाँ ट्रैफिक बहुत ही कम होता है। मेरे पास अभी GoPro नहीं है तो कैमरा मम्मी ने पकड़ा हुआ है, अगर आपका सपोर्ट रहा तो आगे GoPro भी ले लेंगे। और ये ब्लॉग मैं रैंडमली बना रहा हूँ बिकॉज़ मम्मी का मन था घूमने का और मुझे बनाना था ब्लॉग। बाकी बातें चंडी पुल पहुँच के करते हैं। तुझे क्या कम तेरा रिश्ता, गगन की बांसुरी से है, पवन की गुफ्तगू से है, सूरज की रोशनी से है। उड़ियो ना डरियो, कर मनमानी तो गाइज ये है हरिद्वार का प्रेम नगर आश्रम और उसी के सामने ये है प्रेम होटल। समझ रहे हो? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ओ सॉरी, ओयो होटल। भाषाएं रंग रूप है जुदा जुदा, पर हमारी जुबान है एक, जुबा केसरी। विमल बोलो जुबा केसरी। गाय रखो, बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, अगर ऐसे काम करते रहे करोड़पति हो जाओगे। पहुंच चुके हैं चंडी देवी पुल। तो ये तिरंगा झंडा है, देखिए वो कितना दूर है यहाँ से। और ये हम पहुंच चुके हैं यहाँ से, देखो कितना औसम व्यू आ रहा है पीछे, देखो। और वो रही हमारी चंडी देवी मंदिर, काफी ऊपर है, सीधा है यहाँ। तो गाइज हम जा रहे हैं चंडी देवी मंदिर आने वाले। तो गाइज मैं तो फर्स्ट टाइम बैठ रहा हूँ लिफ्ट में, सिंह फर्स्ट टाइम बैठ रही है। मम्मी फर्स्ट टाइम बैठ रहे हो ना आप? नहीं, मैं तो आप बैठे हो? जब तक पैदा भी नहीं हुआ, गजब बेइज्जती है। मैं तो बैठी है, बड़ा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो देखते हैं फिर क्या होता है।
हम लिफ्ट में आ चुके हैं। क्या सीन है, व्यू देख रहे हो? ऊपर पहुंच के बहुत सही फीलिंग आ रही है। ये देखो एक तार में पूरा उड़न खटोला कैसे जाता होगा यार। क्या सीन है, ये कैसा लग रहा है आपको? मुझे बेटा बहुत अच्छा लग रहा है। गाइस गूज़बम्प हो रहे, गूज़बम्प हो रहे। बस बस, अरे नहीं भाई, अरे गाइस डर भी लग रहा है यहाँ से, बट हरियाली देख के जो सुकून है ना वो भी अलग ही मिल रहा है। देखो मम्मी कितने ठाट से बैठी हुई है लिफ्ट में, स्माइल देखो मम्मी की। हाय हाय, आसाम से आ रहे हो? अरे आसाम तो बहुत बहुत सुंदर जगह है आसाम तो। हाँ तो आसाम से भी लोग आते हैं, इन फ्यूचर हम भी आसाम जाएंगे। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? तो गाइस आपको सिर्फ यही मिलेंगे उल्टे चलने वाले बंदर। बंदरों से सावधान। ये बढ़िया था गुरु। केम छो मजा मा। तो गाइस कुछ लोग मेरे गिम्बल और माइक को देखकर अलग रिएक्शन दे रहे हैं। जो लोग ब्लॉगिंग देखते हैं वो समझ जा रहे हैं, बट जो नहीं देखते उनका अलग रिएक्शन है। मम्मी आपको कैसा लग रहा है? तो गाइस हम पहुंच चुके हैं चंडी देवी मंदिर। हम मंदिर के अंदर है, देखिए सबको जो उड़ना ना जाने। अब हम आ चुके हैं अपने सेकंड प्लेस हर की पौड़ी। हरिद्वार का मेरा पहला ब्लॉग। एक्चुअली ये ब्लॉग रैंडमली था और इसमें मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। जब ब्लॉग बना रहा था तो घर से यही सोच कर निकला था कि लोग कुछ भी बोले, कैसा भी रिएक्शन दें, मुझे बस ब्लॉग बनाना है। इस ब्लॉग का आप मेरे ट्रायल की तरह ले सकते हो। और सफ़र स्टार्ट हो चुका है अब तो, और आगे के ब्लॉग जो है तबाही होने वाले हैं गाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लोग कहते बेचारा, जरा पूछो तो क्यों हारा, जब प्यार मिला नहीं तो दिल का कत्ल।